हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन एंगलर जोन। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एंड यस, हम कोर्स यहां पर डिस्कस करेंगे उनकी लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स। प्लीज आप इनको नोट डाउन जरूर करिए अपने नोट्स में, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस करूंगी यहां पे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फैक्ट। वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न ऑन May 31st 1819. This was the time when he was born in West of Hills, towns of Huntington, Long Island. Next one we have, Walt Whitman was known as the Bard of Democracy in literature. Bard means great poet. Bard का जो meaning होता है literature में वो great poet होता है, और Walt Whitman ने अपने आप को Bard of Democracy बुलाया, अपने आप को Bard of Democracy बोला, means he himself called him the great poet of democracy. जैसे हम William Shakespeare के बारे में सुनते हैं कि William Shakespeare को भी Bard of Avon बोलते हैं उनको, या बार्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेट पोएट एवॉन का ग्रेट पोएट बोलते हैं। इन द सेम वे वॉल्ट विटमैन कॉल्ड हिमसेल्फ बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव हियर, दैट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स मास्टरपीस लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ है 1855 में पब्लिश हुआ है। एंड इट हैज टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि खुद पब्लिश कराया था वॉल्ट विटमैन ने। ये जो पोयम थी, ये जो इनका एक कलेक्शन ऑफ पोयम है वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास, एक मास्टरपीस वर्क है अमेरिकन लिटरेचर में। एंड फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ, जो इसका फर्स्ट एडिशन केम आउट हुआ, दैट वाज इन द ईयर 1855 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। और इसको जो पब्लिश कराया था वो खुद वॉल्ट विटमैन ने ही पब्लिश कराया था 1855 में, विद 12 poems in the first edition of Leaves of Grass. Next one we have, Waldo Emerson was a great American poet, and he wrote about Walt Whitman after reading the Leaves of Grass. जो Leaves of Grass इनका collection था, उसको पढ़ने के बाद जो उन्होंने उनके praise में, Walt Whitman के praise में या इस work के praise में जो words बोले हैं, वो कहा the most extraordinary piece of wit and wisdom written by an American poet. Yes, ये extraordinary piece of literature है जो कि Ralph Waldo Emerson ने कहा है about Walt Whitman for his masterpiece work, that was the Leaves of the Grass. And he said that the most extraordinary piece of wit and wisdom written by an American. So आप समझ सकते हो कि किस तरीके का ये work था, किस तरीके से Walt Whitman, because of this work, he became the one of the prominent and great poet of the American English literature. Next one we have, Walt Whitman's work often include the theme death and sexuality. जो इनके poems, जो इनके works हुआ करते थे Walt Whitman के, mostly उनका जो topic हुआ करता था वो death and sexuality पे based on हुआ करते थे। इसी वजह से अगर आप Leaves of Grass की बात करो, उस collection की बात करो, उस poetic collection की, तो उसमें भी Walt Whitman ने जिस तरीके से death and sexuality के बारे में बात की है, that's why his works often includes the topics related to death and sexuality. Next one we have, he founded a weekly newspaper that was the Long Islander, and later edited a number of Brooklyn's and New York के जो papers हुआ करते थे उसको भी उन्होंने edit करा था, including Brooklyn's Daily Eagle. This was the weekly newspaper जो कि found किया था Walt Whitman में, that was the Long Islander. And later on उन्होंने जो number of जो papers उन्होंने edit किया था, that was included Brooklyn and the Daily Eagle. This was the also one of the paper जिसको Walt Whitman ने एडिट किया था इन द स्टार्टिंग करियर ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव अबाउट Walt Whitman, ये Walt Whitman आल्सो इन्फ्लुएंस्ड ब्रैम स्टोकर, ऑथर ऑफ ड्रैकुला, जो कि एक गोथिक नॉवेल है, वाज अ मॉडल फॉर द कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला। यस, ब्रैम स्टोकर जो कि इसके ड्रैकुला जो वर्क था, ड्रैकुला जो नॉवेल था, गोथिक नॉवेल था, उसके राइटर है ब्रैम स्टोकर। एंड ब्रैम स्टोकर ने खुद कहा है कि दिस कैरेक्टर ड्रैकुला विच वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द कैरेक्टर ऑफ वॉल्ट विटमैन। तो एक तरीके का इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू वॉल्ट विटमैन कि उन्होंने ब्रैम स्टोकर, जिनका एक मैग्नम ओपस वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोथिक नॉवेल है ड्रैकुला, आपने इस कैरेक्टर को, इस नेम को सुना भी होगा, इसमें मूवीज भी बन चुकी हैं बहुत, तो
उस कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन था इस नॉवेल में ड्रैकुला का, वही वाज अ वॉल्ट विटमैन वाज अ मॉडल फॉर दैट कैरेक्टर. इट वाज सेट बाय ब्रैम स्टोकर, द नॉवेलिस्ट ऑफ दैट ग्रेट प्ले. नेक्स्ट वन वी हैव अलोंग विद एमिली डिकिंसन, ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ अमेरिका. Emily Dickinson, she was also one of the great poet of the American history of American literature, and along with her, Walt Whitman is also considered one of the important poet of American literature. Now let's discuss. And here we have the another important fact, and here we have the notable works of the Walt Whitman. The first one is Franklin Evans, 1842 का publication है इसका, Leaves of Grass. Multiple times it was edited by the Walt Whitman throughout years. Drum Traps, 1865 का ये वर्क है. Democratic Vistas, 1871 का वर्क है. Memoranda During the War, 1876 का ये वर्क है. And Specimen Days, 1882 में ये पब्लिश हुआ है. तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर वर्क्स ऑफ वॉल्ट विटमैन. यस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वॉल्ट विटमैन के, जिनकी बात हमने यहाँ पे की. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव, दैट इज द फाइनल एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास वाज लेटर निकनेम्ड एज डेथ बेड एडिशन, एज वॉल्ट विटमैन वाज नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ एट दिस टाइम. जब इसका फाइनल एडिशन आया था वॉल्ट विटमैन की मास्टरपीस वर्क का, दैट वाज द लीव्स ऑफ ग्रास, तो ये निकनेम हुआ था. इसका निकनेम जो इसको दिया गया था, दैट वाज डेथ बेड. इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है क्योंकि वॉल्ट विटमैन ने जब इसको फाइनली एडिट किया इस पोएम को, इस वर्क को, तो उस टाइम पे वॉल्ट विटमैन वाज द एट द एंड ऑफ हिज लाइफ एट दिस टाइम व्हेन ही फाइनली एडिटेड लीव्स ऑफ ग्रास. नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द फाइनल फैक्ट इन दिस वीडियो वी हैव अबाउट वॉल्ट विटमैन, मॉडर्निस्ट पोएट एज़रा पाउंड. एज़रा पाउंड की बात अगर हम करें तो वी हैव अ माइंड, T.S. Eliot की बात हमारे माइंड में आती है. एंड Ezra Pound, who was known as for the editing the final part of the Wasteland, जो Wasteland को finally we have here in English literature, जो भी एडिट करने का क्रेडिट जाता है वो ऑब्वियसली T.S. Eliot ने भी Ezra Pound को दिया है. तो मॉडर्निस्ट पोएट Ezra Pound called Whitman America's poet, he is America. ये बहुत बड़ी बात Ezra Pound ने मॉडर्निस्ट पोएट जो है वो वॉल्ट विटमैन के लिए उन्होंने किया, उनके प्रेज में बोला है कि वॉल्ट विटमैन वाज अमेरिकाज पोएट और ही इज अमेरिका हिमसेल्फ एज अ पोएट. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल वी हैड इन टुडेज वीडियो. हमने डिस्कस किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में. नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट उनके वर्क्स डिस्कस करेंगे, थोड़ी डिटेल्स और कम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसकी लाइफ से लेकर के हम आएंगे जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए.